नमस्कार, मैं धानेन्द्र भदौरिया और आप देख रहे हैं TV 30 न्यूज। जैसा कि आपको पता है, आज 5 राज्यों का जो है मतगणना चालू है, आज परिणाम आएंगे। और हम अभी बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें, बीजेपी 157 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस 69 सीटों पे है। हमारे साथ हैं मिथिलेश जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम आपसे भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ साथी हैं हमारे गुरुदत्त तिवारी जी, इनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मिथिलेश जी से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जैसा कि देखा जा रहा था कि कांग्रेस की हवा थी, शुरुआत में जो हवा बनी एग्जिट पोल के पहले, क्योंकि 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक जो है एग्जिट पोल पर रोक लगाई गई थी, लेकिन जिस समय वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद से हवा थी, बिल्कुल सारे के सारे कांग्रेसी भी हवा में थे कि हमारी सरकार बन रही है। तो क्या लगता है कि इतना बड़ा जो है अंतर कैसे आ गया, बीजेपी सीधा जो है 157 पे अभी लीड कर रही है? मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सिर्फ एक बड़ा फैक्टर जो समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें जो ये महिला जो वोटर्स हैं उनका जो मत पड़े हैं वो ज्यादा बहुतायत संख्या में है। और एक लाडली बहना योजना जो है इस बार मध्य प्रदेश में कारगर साबित हुई है। 2018 में जैसे जो है आवास योजना आया था वो फैक्टर चला, लेकिन इस बार 2023 में लाडली बहना ने जो है सरकार बना दी। जी जी बिल्कुल, ये इसमें कोई गुरेज नहीं है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये था क्योंकि त्वरित आप लोगों को हो रहा था। जैसे आप इस बार देखेंगे पिछले बारे में आवास योजना में किस्त भाई किस्त आएगा, किसी की फर्स्ट किस्त आ रही है, अभी तो हर महीने मिल रहा है, अभी तो लोगों को हर महीने मिल रहा है। और ये बताया गया कि इसको मतलब 1000 से लेकर 3000 तक पहुंचा रहा है। तो इस बार लाडली बहनों ने बहुत साथ दिया। तो क्या कहेंगे तिवारी जी आप? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बीजेपी 157 सीट से बढ़त बनाए हुई है और लगभग कांग्रेस 70 सीट के आसपास हो भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की सरकार जितने भी एग्जिट पोल और दिखा रहे थे मतगणना के पहले, और जो अभी रुझान आ रहे हैं, जो भी काउंटिंग चल रही है, उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। तो अभी हम बात करते हैं बिंद की 8 सीटों के बारे में। तो सबसे पहले मैं रीवा के बारे में बात कर रहा हूं। ताजा जो रुझान आ रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला 29,233 वोट पा चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा को 20,000 वोट मिले हैं और 9,133 वोट थे। राजेंद्र शुक्ला आगे चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इतना बड़ा अंतर जीत का जो अभी से अंतर ये लेके चल रहे हैं, 7 राउंड की मतगणना भी हो चुकी है, तो कांग्रेस इतना पीछे क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ भी रीवा में भी कह रहे थे, रीवा क्या पूरे मध्य प्रदेश में कह रहे थे बदलाव की बयार है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी। इसका एक बड़ा कारण यही माना जाता है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है राजेंद्र शुक्ला जी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है राजेंद्र शर्मा जी, दोनों में देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। एक तरह से ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने बाप ओवर दिया है राजेंद्र शुक्ला जी को, क्योंकि प्रत्याशी देखिए उनका एक अलग ही बिहेव है, मतलब राजनीति करने का जो है, लोगों के बीच में जो अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं राजेंद्र शुक्ला जी, विकास पुरुष जैसे उनको कहा जाता है, और कुछ काम भी हुआ है सर, ये पूरे रीवा जिला महानगरों की तरफ जो है बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो भारत बना रहे हैं। और राजेंद्र शुक्ला चूंकि इनके जगह पर यदि सही टिकट जो वितरण किया होता है कांग्रेस पार्टी द्वारा, और किसी तरह से बाबा थे जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं, उनको प्रत्याशी में कुछ अंतर जो है कुछ इतना मार्जिन करना होता है, ऐसा मानना है लोगों का। तो बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये वॉकओवर की तरह दिया गया है, पूरी रणनीति के तहत लग रहा है कि टिकट दिया गया है राजन शर्मा को। तो गुरुदत्त जी हम आपसे बात करेंगे गुड़ विधानसभा की। गुड़ से चुनाव के परिणाम जो है अप्रत्याशित आ रहे हैं, एक बार फिर से नागेंद्र सिंह को जीत लगता है मिलेगी। वर्तमान में अभी जो रुझान आ रहा है 15,054 वोट से जो है नागेंद्र सिंह पाए हुए हैं, 13,555 वोट कपिलदेव सिंह को कांग्रेस से है उनको मिला है, तो 1,499 वोट से जो है अभी नागेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं।
क्या लगता है इस बार जो है, अभी जबकि चार राउंड का ही है, तो गुड़ का क्या समीकरण कह रहा है कि कपिध्वज सिंह बढ़त बनाएंगे कि नागेंद्र सिंह आगे ही रहेंगे? बिल्कुल, गुड़ में दो के बीच ही टक्कर मानी जा रही थी, कांग्रेस और बीजेपी में, और पिछली बार भी दो तीन पार्टियों में टक्कर थी, इस बार सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में थी। अभी चार राउंड हुए हैं और चार राउंड में लगभग 1500 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी नागेंद्र सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। अभी इनकी टक्कर जो है लगभग 10 राउंड होने के बाद समझ में आ जाएगी कि किस तरफ। अभी चार राउंड में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन आगे जा सकता है, क्योंकि 19 राउंड की जो है गिनती होनी है यहाँ पे। इसमें नागेंद्र सिंह अभी तो बढ़त बनाए हुए, लेकिन अभी जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे उसके बाद स्थितियां समझ में आने लगेंगी, क्या तस्वीर रहेगी। तो अब हम बात करते हैं सबसे हार्ड सीट मानी जाने वाली 8 विधानसभा सीट में जो है, 8 सीट में सबसे ज्यादा हार्ड सीट मानी जा रही थी सिमरिया की, क्योंकि जिस तरह से जो कांग्रेस ने टिकट दिया कि मतलब सेम डे जो है कांग्रेस टिकट देती है, सेम डे ज्वाइन करवाती है, 2 महीने पहले बीजेपी में जाते हैं फिर कांग्रेस में आते हैं, तो इसमें बड़ा उठा पटक था और कंफ्यूजन था, जनता में भी कंफ्यूजन था, लेकिन वो कंफ्यूजन अभी हमें लग रहा है ये दूर होता दिखाई दे रहा है। अभय मिश्रा 14,261 वोट पा चुके हैं और 1990 वोटों से आगे चल रहे हैं, और केपी त्रिपाठी को जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं उनको 12,271 वोट मिले हैं अभी तक। तो अभी 4 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और 18 राउंड की गिनती जो है हो चुकी है, 18 राउंड बाकी है, 18 राउंड होना है, 4 राउंड जो है हो चुके हैं। तो इसमें क्या लगता है कि अभय मिश्रा बढ़त बनाए हैं तो ये यथावत रहेगा कि लाडली बहना का यहाँ फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल, ये चूंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काफी दमखम वाले में है, चूंकि सबसे ज्यादा जो इस बार हार से, जैसे आपने कहा सिमरिया, तो सिमरिया में मतलब हर तरह से मतलब साम दाम दंड भेद चारों सारे अपनाए गए, तो इस तरह अभी जो बड़ा दिखाई दे रहे हैं तो इसको ये नहीं माना जा सकता है, चूंकि थोड़ा बहुत असर रहेगा लालजी बहना का, चूंकि भी केपी त्रिपाठी जो थे वो भी मतलब कमजोर प्रत्याशी नहीं आकेगा, चूंकि उन्होंने भी सारे षड्यंत्र जो है खड़ेरतों का सामना किया है और खुद भी ऐसा लोग है वो भी मतलब हर तरह से पूरे मुकाबले में बराबरी के टक्कर दिए थे। अभी 4 राउंड ही हुआ है, शायद जो है ये रुझान बदल भी सकता है। और अभी ये बात करते हैं उससे भी बड़ी हार सीट, बिल्कुल तेउथर। तो तेउथर में भी कांग्रेस से रमाशंकर आगे चल रहे हैं 2643 वोट से, उनको अभी तक जो मत मिल चुके हैं 20,674 और 5 राउंड वहां पे गिनती हो चुकी है, 17 राउंड होना है और 18,031 वोट मिले हैं सिद्धार्थ तिवारी को। तो क्या लगता है तिवारी जी, ये सिद्धार्थ की नैया पार होगी तेउथर जाने के बाद, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना फाला बदला, कांग्रेस ने टिकट उनको नहीं दिया, तो उन्होंने मतलब कि टिकट की घोषणा होने के पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी, तो क्या लगता है यहाँ से पार हो पाएगी इनकी नैया? बिल्कुल, यहाँ 17 राउंड होने वाले हैं और 5 राउंड हो चुके हैं, इसमें से 2600 के लगभग कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए, अगर ये लगातार 2-3 राउंड में इनकी बढ़त रहेगी तो सिद्धार्थ तिवारी वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं 5 राउंड हो चुके हैं, 5 राउंड में 2643 वोट से आगे हैं, वो शुरू से ही आगे हैं कांग्रेस के रमाशंकर। तो क्या लगता है यहाँ पे भी लाडली बहना का फैक्टर नहीं चल रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे लाडली बहना का फैक्टर नहीं बात कर सकते, क्योंकि वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं, फिर उन्हीं के विधायक, बीजेपी के तो वोट है ना, उन्हीं के विधायक जो थे श्यामलाल जी, फिर जिस दिन वोट होनी थी उसके 1-2 दिन पहले ये खबर मिलती है कि इंटरनली कहीं ना कहीं सपोर्ट रमाशंकर की तरफ। क्या लगता है इनको अंतःकलह का जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि एक सभा हुई थी जिसमें जेपी नड्डा जी आए हुए थे, जेपी नड्डा की उस सभा में श्यामलाल द्विवेदी गए थे, लेकिन सभा में मंच पर वो नहीं गए, वो बीच में बैठे हुए दिखाई दिए, आप सब भी वहां पे थे, हम लोगों ने भी सबने देखा था, तो मान मनोवल हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि वो
उनका वो नहीं पाया सेटिंग क्या? दिखावटी तौर से साथ में थे लेकिन इंटरनल कितना तो साथ, वो तो जनता के बीच में भीड़ में बैठे हुए थे तो दिखावा भी नहीं था उसमें, तो साफ जाहिर था कि हम आपके साथ नहीं है, हम तो जनता के साथ है। नहीं, उस टाइम उन्होंने वो अपनी नाराजगी जाहिर की थी और फिर उसके बाद कई सभाओं में गए और लगातार प्रचार किए, लेकिन स्थिति जो बनी है ये सिद्धार्थ तिवारी राज को बीजेपी के जो भी सदस्य हैं वहाँ सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने इनको उतना सपोर्ट नहीं किया जितना करना चाहिए। इनका टिकट कटता है और उसके बाद फिर स्थिति अब आप देख रहे हैं कि 2500 से 2600 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो मिथिलेश जी, हम बात करेंगे मऊगंज की। मऊगंज भी कहीं से कमजोर सीट नहीं है। यहां से वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल जो वर्तमान में अभी भी आगे चल रहे हैं 5270 वोट से, ये काफी अंतर है, यह 5200 कम अंतर नहीं होता क्योंकि वो शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जो रुझान आ रहा है अभी तक 34416 वोट उनको मिल चुके हैं। और सुखेन सिंह बन्ना को 29146 जो 5270 वोटों से पीछे चल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको अभी 9 राउंड हो चुके हैं, ये 50% जो मतदान की मतगणना है वो हो चुकी है, 18 राउंड होना है। सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है प्रदीप पटेल ने बढ़त बनाए, उसके एक कारण तो भाजपा के प्लस में जा ही रहा है लाडली बहना का, लाडली बहना। दूसरा ये है कि जो उनकी मतलब एक जो छवि है एक सरल नेता की है प्रदीप पटेल की, प्रदीप पटेल की, हाँ, और वही उनके विपरीत ठीक है एक आक्रामक बाहुबली स्टाइल के जो नेता माने जाते हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी है सुखेन सिंह जी, तो एक ये भी कारण है। एक ये माना जाता है कि उनके ऊपर एक कई बार आरोप लग चुके विशेष वर्ग से झुकाव कांग्रेस प्रत्याशी जो सुखेन सिंह बनना है, मतलब इसका भी जो पीछे जाने के फैक्टर यह भी माना जाता है, जातिवाद के चक्कर में चले गए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इससे कहना कोई ब्रिज नहीं इस बात में। तो ये प्रदीप पटेल के लिए, प्रदीप पटेल भी तो काफी विवादित, उन्होंने बयान भी दिया था, उन्होंने रामायण वामायण के बारे में भी कुछ कहा था जो है, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पे साथ इनको कौन दे रहा है? लाडली बहना दे रही है। लाडली बहना तो हर मतलब 10 से 15 हजार वोट जो है तो फिक्स कर किए हैं वहां पर मऊ विधानसभा में, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं ने अपना मतदान किया है, क्योंकि जैसा कहा जा रहा था कि प्रदीप पटेल बाहरी है और एक बाहरी कोई अगर मान रहा है और वो इतनी बढ़त के साथ जो है आगे है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो रीति नीति है उससे लोग प्रभावित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार के चुनाव में क्या है कि लगभग बहुजन समाज पार्टी जो नेता थे उस बार मृगेश, इस बार चुनाव वो नहीं है, तो लोगों को ये मानना था कि इस बार कांटे की टक्कर होगी और तो आप कांटे की टक्कर दिख रहा है आपको, और उसमें ये प्रदीप पटेल जी बढ़त बना रहे हैं 5000 से ऊपर आगे बढ़त बनाए हुए। तो गुरुदत्त जी, हम बात करें आपसे मनगवा की। मनगवा से युवा चेहरा नारायण प्रजापति जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, अभी जो रुझान आ रहे हैं वो 22671 वोट पा चुके हैं, और बबीता साकेत कांग्रेस से हैं जो दूसरी बार प्रत्याशी बनाई गई हैं कांग्रेस से, और 14386 मत उनको मिले हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर है, 8285 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के। तो ये क्या है, मतलब इतना ज्यादा जो है आगे होना, क्या वापसी होगी बबीता की? नहीं, बिल्कुल वापसी की स्थिति तो नहीं समझ में आ रही, क्योंकि 6 राउंड में ही 8000 की बढ़त बनाना ये बड़ी बात है, और वहां से बीजेपी के पहले भी विधायक रह चुके हैं, और फिर ये नया युवा चेहरा आता है, पढ़ा लिखा चेहरा वहाँ की जनता मानती है, और उसके बाद प्रचार प्रसार, और काफी दिनों से एक्टिव भी थे मनगवा विधानसभा को लेकर, और इनका सर्वे में भी नाम आया था जिसके वजह से पंचूलाल जी का टिकट काटा गया और इन्हें टिकट मिली। बबीता साकेत का कमबैक होना तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि 6 राउंड में 8000 वोट से आगे होना, स्थिति ये 21 राउंड की वोटिंग है और 6 राउंड की हो चुकी है, 8000 तो कहीं ना कहीं बढ़त बनी हुई है, और ये अब देखना दिलचस्प होगा लगभग 4 से 5 बजे के बीच स्थिति और तस्वीरें साफ हो पाएंगी। अभी हम बात करते हैं सिरमौर की। सिरमौर से दिब्राज सिंह 402 वोटों से पीछे चल रहे हैं। राम गरीब बनवासी कांग्रेस से 10412 मत पा चुके हैं,
यहां पे भी 4 राउंड की गिनती हो चुकी है, 18 राउंड होना है। तो क्या लगता है कि दिव्यराज सिंह इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे? मेरा मानना है कि सिरमौर विधानसभा का जो विश्लेषण है वो माननीय हमारे सौरभ जी जो है ज्यादा बेहतर तरीके, क्या लगता है तिवारी जी? नहीं, सिरमौर विधानसभा क्योंकि अभी 4 राउंड का ही हुआ है, तो अभी 4 राउंड में अभी अंतर कुछ नहीं है, 400 वोट का अंतर है, तो ये 18 राउंड की वोटिंग है स्थिति। ये भी कहा जा रहा था कि वीडी पांडे वहां पे मजबूत होंगे, लेकिन स्थिति समझ में नहीं आ रही है हमें, टक्कर दो ही लोग में समझ में आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी में। बीडी पांडे का भी ज्यादा अंतर है नहीं, 1672 वोट है, 1672 वोट होते नहीं है कुछ वैसे ये विधानसभा के चुनाव में। अब 4 राउंड होने के बाद, क्योंकि अभी 14 राउंड बाकी है, हाँ, तो इसके बाद स्थितियां और साफ, क्योंकि वोटिंग जो है लगभग 10,000 है, इन्होंने 400 वोट पाया, 10,010 वोट इनका है, 8,000 वोट उनकी है, तो स्थिति टक्कर दो के बीच में। क्या लगता है आपको, अभी दिव्यराज सिंह के पक्ष में है? अभी उतार चढ़ाव समझ में आएगा 2-4 राउंड के बाद बात करें, क्योंकि दिव्यराज सिंह बीजेपी के विधायक के साथ साथ एक युवराज भी है। नहीं, बिंद के युवराज की क्या नैया पार होगी? नहीं, इससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा युवराज से, और क्योंकि जनता अब एक एमएलए को चुनती है और कैंडिडेट को देख रही है, वहाँ व्यक्तिगत और ये रामगरीब बनवासी जो काफी दिनों से एक्टिव थे वहाँ, और फिर इनको टिकट मिलती है, और ये आदिवासियों का वोट साधने के लिए कांग्रेस इनको टिकट देती है, और फिर बिंद में, पूरे बिंद में साधने के लिए जो है एक आदिवासी को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि स्थितियां का क्या होती हैं, ये लगभग 5-6 बजे के बीच तस्वीरें साफ हो पाए। लेकिन जो अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं बहुत अप्रत्याशित है इस बिंद में भी, अभी शुरुआती दौर है लगभग, और जब तक आप मान के चलिए 50% काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक रुझान समझ में नहीं आएंगे। हर पोलिंग बूथ के अलग अलग वोटर्स हैं और अलग अलग स्थितियां रहेंगी, तो कहीं उनकी बढ़त होगी, कहीं दूसरे की बढ़त होगी, तो लगातार ये स्थिति अभी जारी रहेगी। तो तिवारी जी, हम आपसे बात करेंगे कि जो देवतालाब की सीट है, गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष, अभी 5 राउंड का मतगणना हो चुका है, 20 राउंड होना है, यहां से 6,058 वोट से ये बढ़त बनाए हुए हैं, इनको जो टोटल मत मिले हैं अभी तक 18,798, और वहीं उनके भतीजे पद्मेश गौतम है कांग्रेस से, जिनको 12,440 वोट मिले हैं। ये 6,058 वोटों का जो मतगणना हो चुका है, जो बढ़त है इनका, 5 राउंड हो चुका है, तो क्या लगता है कि पद्मेश गौतम वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी तो 5 राउंड में जिस मार्जिन से 6,000 के वोट के साथ आगे लीड लिए हैं, अब आगे लगभग जो है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है गिरीश गौतम, उनका वोट प्रतिशत जो है बढ़ता ही जाएगा, संभावना नहीं है, क्योंकि इसका एक मेन फैक्टर ये है कि जो कांग्रेस के वही टिकट वितरण जो हुआ वो भी एक बड़ा फैक्टर है इसमें, क्योंकि यहाँ पर कई दावेदार थे, जिला पंचायत के चुनाव से और विधानसभा के चुनाव को आकलन करके जो टिकट वितरण हुआ, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये माना जा रहा है यहाँ पर, जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पीछे है। सबसे पीछे होने का मुझे लगता है कि जो अंतर कला है पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्या लगता है कि अगर कांग्रेस टिकट जो दी है पद्मेश की जगह, अगर जैसे कि माना जा रहा था कि जयवीर सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं, तो अगर जयवीर सिंह को दिए होते तो क्या यहाँ का तस्वीर कुछ और होता? बिल्कुल, आपने देखा होगा जयवीर सिंह भी आप इसमें देखिए कि वो भी प्रत्याशी है और वो जो वोट उनको मिल रहा है समाजवादी से, उन्होंने अपनी पत्नी को उतारा है, जो वोट उनको मिला होगा कि मिल रहा है, 2918 वोट मिले हैं जी जी, तो वो बीजेपी का ही वोट है, मतलब है वो कट रहा था, तो ये भी मतलब कांग्रेस के पक्ष में ही होता तो ये अंतर कम हो जाता, 2000-3000 में आ जाता, अंतर कम पिछली बार कम, और वो अंतर कलह के कारण शायद वो वोट में जो है जो मेहनत होती वो अलग होती। बिल्कुल बिल्कुल,
नहीं, इसमें क्या है कि सीमा जयवीर सिंह की स्थिति अभी 4 राउंड के बाद ऐसी लग रही है कि जमानत जब्त होने के कगार पर है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और ये जो यहाँ भिन्न के लिए क्षेत्री मानी जाती है, चुनाव के पहले का जो दौर था इन्होंने बड़ा आकलन लगाया हुआ था कि 1 लाख वोट काफी वहां पे लग रहा था। सब कह रहे थे कि त्रिकोणी है, तो क्या है देखने से लग रहा है कि यहाँ पे त्रिकोणी था, गर्मा गर्मी का माहौल वहां बना था, त्रिकोणी मुकाबला था। चूंकि आप वहां पर अभी आप जो वोट का सर जो वोट का रुझान है आप देख रहे हैं, यहाँ पे त्रिकोणी तो दिख रहा है लेकिन बहुजन के साथ दिख रहा। जी जी। अगर ये बहुजन में होते तो सीधा जाइए सीधे टक्कर तक उनका, तो अभी तो 3000 भी फिगर इन्होंने पार नहीं किया है 5 राउंड में, जबकि तीसरे स्थान पे अमरनाथ पटेल हैं जो 8826 वोट पाए हुए हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणी तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि अब टक्कर जो भी है वो दो में ही है, कांग्रेस और बीजेपी में ही। तो अभी हम बिंद के 8 विधानसभा सीटों की चर्चा की है, जिसमें से कि आपने देखा और आपने सुना, हमारे सहयोगियों ने जो चर्चा की उसके हिसाब से कौन कहां से बढ़त बना रखा है। और आगे की अपडेट के लिए बने रहें टीवी 30 न्यूज के साथ। धन्यवाद।